भिवंडी की बात की जाए तो पॉल्यूशन में दूसरे नंबर पर है भिवंडी शहर। दिल्ली के बाद भिवंडी शहर को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया है पॉल्यूशन को लेकर। धूल मट्टी के कारण भिवंडी शहर की जनता को काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाई, जहाँ पर सड़कों पर उतर कर साफ सफाई, मट्टी को साफ सफाई करने में जुटी हुई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं पर भिवंडी शहर के कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी धूल मट्टी के कारण लोग काफी वंचित है। गत दिनों पहले हमारे चैनल के माध्यम से हमने दर्शाया था कि भिवंडी के अमजदिया रोड पर धूल मट्टी के कारण दुकानदार, मकानदार, राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना उठाना पड़ता था, जिसको लेकर हम आपको बता दें कि वहां के स्थानीय समाज सेवक नासिर जावेद ने इसका पत्र व्यवहार भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका और साथ ही साथ जिसके माध्यम से इस रोड का निर्माण किया जा रहा है MMRDA को लिखित पत्र दिया था, जहाँ पर उनके पत्र व्यवहार होने के बाद आज महानगर पालिका ने तत्काल उनकी बात को स्वीकार कर एक टैंकर भेजकर पानी का छिड़काव वहाँ पर किया। स्थानिकों में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत राहत जो है वहाँ के दुकानदार मकानदारों को मिली है। लेकिन हमारे चैनल के संवाददाता ने जब वहाँ के समाज सेवक नासिर जावेद से बातचीत की कि यह टैंकर जो है रोजाना इसी तरह का पानी का छिड़काव करेगा या यह फिर आज खाली दिखावे का है, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये बॉडी से लेके आ रहे हैं। हाँ, रोड पे क्यों गिरा रहे हो? एक धूल उल जो उड़ता है उसके लिए। किसने आदेश दिया तुमको? BMC वाले ने। BMC ने आदेश दिया? हाँ। हमारी जो लड़ाई जारी थी ये अमजदिया रोड को लेके, आज से थोड़ी राहत मिलेगी धूल मिट्टी से यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर चलने वाले लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे राहत तब मिलेगी जब इस रोड को मजबूती के साथ जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, वरना मेरी लड़ाई जारी थी, लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। अब हक के लिए भीख नहीं मांगेंगे, अब हक लड़ कर लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूं, जो इस रोड की ठेकेदारी लिए हैं और दिए हैं, जल्द से जल्द अगर इस रोड का काम नहीं कंप्लीट करेंगे, हम रोड रोको आंदोलन, रोड तोड़ो आंदोलन करेंगे। और मैं इस रोड को लेकर मैं हमारे भिवंडी ईस्ट के आमदार साहब रईस भाई से भी मिला और बात की, उन्होंने मुझे स्पष्ट किया है और हम MMRDA से बात की है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाकर देने के लिए। और ये जो रोड रुका हुआ है यहाँ पे, यहाँ की कॉरपोरेशन और यहाँ के नगर सेवक रुकावट डाले हुए हैं, जो रईस भाई ने सख्ती से निर्देश दिया MMRDA को कि आपस में समझौता करके MMRDA और कॉरपोरेशन इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, वरना कार्रवाई होगी। जिस तरह से देखा जाए महानगर पालिका धूल मट्टी को लेकर काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, साफ सफाई चल रही है, तो यहाँ पर महानगर पालिका की कर्मचारी नहीं आती है? यहाँ पे ना कोई महानगर पालिका का कर्मचारी आया, उल्टा मैं दौड़ रहा हूँ, आज हफ्ता 10 दिन से दौड़ रहा हूँ कि टैंकर यहाँ पे अवेलेबल करा सकूँ। और आपने भी देखा है जब से यहाँ से टैंकर आया है लोग दुआ भी दे रहे हैं, जबकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास 2-4 लोग आए थे, मेहनत किया, यहाँ पे टैंकर आया, टैंकर रोज पानी इसी तरह छिड़केगा कि आज? मेरी पूरी कोशिश है कि पानी का टैंकर दिन भर में कम से कम एक राउंड मारे। और BMC को मैं बोलना चाहूँगा, BMC वाले तो MMRDA का नकली रोड देखते बैठे हैं, जबकि जकात नाके पे RCC रोड पास हुआ है। जब तक के लिए वो MMRDA वहाँ पे लोकल काम कर रही है, मैं बोलना चाहूँगा वहाँ पे नकली रोड MMRDA का छोड़ के देखने के बजाय कॉरपोरेशन अपना असली काम करे। कॉरपोरेशन के पास दुनिया भर का काम है। आज भिवंडी में कचरा, गंदगी से दुनिया भर का मच्छर पैदा हो रहा है, जिससे डेंगू की बीमारी भी बढ़ते चले जा रही है। और पोस्टर पे निकल के काम करने के बजाय महानगर पालिका को रियल में काम करना चाहिए। भिवंडी में कॉरपोरेशन स्कूल है, 97 कॉरपोरेशन स्कूल है, जिसमें 30 कॉरपोरेशन स्कूल बिल्कुल स्ट्रक्चर एकदम ऑडिट करना बेहद ज़रूरी है, ख़तरनाक है। समझ लो स्टूडेंट अपनी जान हथेली पर लेके स्कूल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। कॉरपोरेशन को उस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। कॉरपोरेशन को अपनी OPD जो 15 OPD चलती है, जिससे मेडिसिन शहर अवेलेबल कर सके, एक भी सबकी खस्ता हाल है, उस पर ध्यान देना चाहिए। IGM हॉस्पिटल वो कॉरपोरेशन का है, सिविल टाइप तो लगा दिए इन लोग, लेकिन उसकी ज़मीन कॉरपोरेशन के अंडर में है। ये पानी रोजाना इसी तरह छिड़का जाएगा कि मतलब आज की मेरी पूरी कोशिश है कि पानी का टैंकर कम होने की वजह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि रोज़ पानी का टैंकर यहाँ पर अवेलेबल हो और चले। और उससे शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो बोला है, हम बात बोले थे वो पूरी हुई, और इस रोड के लिए सख्ती से MMRDA को निर्देश दिया है जल्द से जल्द अमजदिया रोड कंप्लीट हो, ताकि वार्ड नंबर 9 और 14 के लोग सुकून से और राहत से रहे, यहाँ पे कारोबार करने वाले भी सुकून से कारोबार कर सके। धूल से लोग बहुत परेशान हैं, कल के लिए कम करने के लिए बनाई जा रही थी धूल मिट्टी खिलवा कर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV न्यूज़। धन्यवाद।